हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और कमांड डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे को किसी एक कमांड से डेटा कॉपी करके किसी और कमांड में मूव करवाना है शेल स्क्रिप्ट के थ्रू, तो वो कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इस केस में क्या हम खुद से एक फाइल क्रिएट करेंगे, एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर दो फाइल हम यूज़ करेंगे। पहली फाइल होगी जिसमें डेटा हमारे पास स्टोर्ड होगा, और उस डेटा को फिर अपन मूव करेंगे किसी भी नई फाइल में। दोनों सिनेरियो को कवर करने वाले हैं कि अगर फाइल हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो क्या होता है, क्या वो पूरा डेटा रिप्लेस करता है या डेटा को अपेंड करता है, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में क्या वो नई फाइल क्रिएट करता है या सिंपल जो डेटा था वही उसी में रहता है उसी फाइल के अंदर। तो ये सारे सिनेरियो हम इसी एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो कमांड हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं वो है सीपी कमांड। सीपी कमांड हमने पहले वाले सेशन में भी ऑलरेडी डिस्कस किया कि क्या होती है सीपी कमांड, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसी के कंटिन्यूशन, मतलब वहाँ पे जैसे हमने बेसिक देखा था, अभी हम उसका एग्जांपल देख रहे हैं शेल स्क्रिप्ट के अंदर कि कैसे सीपी कमांड यूज़ होती है। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वर्क एलन के। हमें पहले रिक्वायरमेंट के लिए वो फाइल फाइंड आउट करना जरूरी है जिसको हम यूटिलाइज करने वाले हैं। तो वर्क एलन के करके हमने देखा, यहाँ पे लिखा है वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्लैश होम स्लैश में थी हमारी डायरेक्टरी है, होम बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी। अब इस डायरेक्टरी पे आपको काफ़ी सारे फाइल्स दिख रहे होंगे, इसमें अननेसेसरी जो फाइल है उनको अभी के लिए रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये फाइल है इसकी नीड हमें नहीं है, तो ये अननेसेसरी हटा देते हैं, और इनमें से कोई भी एक फाइल हम पिक करेंगे जिसका डेटा हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम यहाँ से पिक कर लेते हैं ये www.txt फाइल। इसको अगर फाइव ऑप्शन से ओपन करें तो देखो यहाँ पर बहुत सारा डेटा है, आपको समझने में इजी नहीं रहेगा। तो इसके लिए कोई और फाइल पिक करते हैं, abcd.txt एक फाइल होना चाहिए यहाँ, उसको हम यूज़ करेंगे एग्जांपल के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम, वो आई थिंक यहाँ पे नहीं है, xxyy.txt, हाँ ये वाला ले सकते हैं, इसका डेटा सिंपल सिंप्लीफाइड है। डेटा सैम्पल डेटा 1 से लेकर सैम्पल डेटा 5 तक हमने इसमें स्टोर किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, xxyy.txt फाइल को यूज़ करके कोई और फाइल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले नई फाइल क्रिएट करके देखेंगे, जो अभी हमने देखा tt.txt हमने रिमूव किया है ना, उस नेम से कोई भी यहाँ पे फाइल नहीं है, तो इसी को हम क्रिएट करेंगे tt.txt। तो अभी चलते हैं अपनी डायरेक्टरी में, ये हमारी डायरेक्टरी, इसको लिया ऑप्शन 5 मैंने, और यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है शेल स्क्रिप्ट फाइल जो है sharmit.sh, जो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो अगर आपकी फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो सबसे पहले टारगेट आपको वही रहना चाहिए कि फाइल को कैसे एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं। एक बार फाइल एग्जीक्यूटेबल बन गई उसके बाद में फिर आप उस स्क्रिप्ट को कभी भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ ऑप्शन 2। इस शेल स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट स्टोर्ड है, जिसे आप देख सकते हो यहाँ। मल्टी लाइन कमेंट में क्या रहता है, प्रेजेंटर का नेम और सेशन का नेम। तो प्रेजेंटर के नेम में आ गया टेक्सचर मैथ, और सेशन के नेम में आ गया जो भी टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, जैसे सीपी इन शेल स्क्रिप्ट है ना, सीपी मींस कॉपी कमांड। अब हम यहाँ पे उस कमांड का यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सीपी स्पेस और आपकी जो मेन फाइल है उसका नेम। मेन फाइल का नाम, हमारा नेम था xxyy.txt, तो यहाँ लिख दिया xxyy.txt। ठीक है, एक ये कमांड हमने यहाँ पे रखी, और उससे पहले एक चीज़ और ट्राई करते हैं जिससे आपको थोड़ा और इजीली ये समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कैट और www.txt, इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि इसमें कुछ डेटा शो हो रहा है क्या। सेकंड सेशन पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे qsh /home/sharmit/tech/sharmit/sharmit.sh और एंटर। तो यहाँ पे अभी दिख रहा है नो सच पाथ और डायरेक्टरी। ठीक है, तो इसी को अभी के लिए, अच्छा अब यहाँ पे इसके बाद अगर हम इको प्रिंट करते हैं कुछ टेक्स्ट, तो यहाँ पे अभी देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये टेस्ट प्रिंट कर रहा है ना। तो अब हम इसी फ्लो को मेंटेन करेंगे यहाँ पे और सीपी को समझेंगे। जैसे सबसे पहले हमने लिखा इको डेटा इन tt.txt बिफोर सीपी, तो उसमें आ जाएगा ये कैट कमांड से इसका जो भी कमांड का आउटपुट या डेटा, अभी आउटपुट आएगा बाद में डेटा आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद में हम यूज़ करेंगे cp कमांड, तो cp लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा डबल एक्स डबल वाई डॉट टी एक्स टी, और इसका भी डेटा प्रिंट कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और कमांड यूज़ करेंगे echo डेटा इन डबल एक्स डबल वाई डॉट टी एक्स टी, ठीक है, ये आ गया डेटा। और फिर यहाँ पे इसके बाद में हम कैट कमांड यूज़ करेंगे, कैट डबल टी, यहाँ पे आ जाएगा डबल एक्स डबल वाई डॉट टी एक्स टी, ये यहाँ पे डेटा आ गया। अब इस डेटा को आने के बाद में सिंपली हमें क्या करना है, अभी हमने सबसे पहले क्या दिखाया कि डेटा क्या है टी टी डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर बिफोर सी पी, तो वो डेटा प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने दिखाया डेटा इन डबल एक्स डबल वाई डॉट टी एक्स टी, अब हम इसको कॉपी कर देंगे, तो यहाँ से कॉपी हो जाएगा टी टी डॉट टी एक्स टी में, और फिर एक इको कमांड चलाएंगे जिसमें लिखेंगे इको डेटा इन टी टी डॉट टी एक्स टी आफ्टर सी पी, और इसके बाद में हम कैट कमांड चलाकर इसका डेटा शो करेंगे। कैट कमांड का आईडिया आपको ऑलरेडी होगा कि क्यों हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टी टी डॉट टी एक्स टी, ठीक है। इतना करके सेव करना है फाइल को F3 से, और फिर से एग्जिट करना है। अब हम इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे, सेम स्क्रिप्ट को जब मैंने रन किया तो अब आपको यहाँ पर डेटा दिख रहा होगा काफ़ी सारा। देखो सबसे पहले क्या आया, यहाँ पर डेटा इन टी टी डॉट टी एक्स टी बिफोर सी पी, उसमें आया हमारे पास एरर, क्योंकि उस टाइम पर कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इस नेम से। फिर हमने क्या किया, डेटा इन टी डबल एक्स डबल वाई डॉट एक्स टी, तो वो डेटा इसने शो कर दिया। फिर आया डेटा इन डॉट टी टी डॉट एक्स टी आफ्टर सी पी, तो जैसे ही सी पी हुआ तो सी पी होने के बाद में इसने जो डेटा था हमारे पास डबल एक्स डबल वाई डॉट टी एक्स टी के अंदर, उसको कॉपी कर दिया टी टी डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती है, इस तरह से सी पी कमांड वर्क करती है। अब हमारा क्वेश्चन है कि अगर सेम कमांड को फिर से रन करें तो क्या यहाँ पे डेटा जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा, क्योंकि अब टी टी डॉट टी एक्स टी में डेटा है। अगर यहाँ पे भी मैं कैट चला के दिखाऊँ आपको टी टी डॉट टी एक्स टी, तो यहाँ पे डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे दिख रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सेम स्क्रिप्ट को फिर से चलाएंगे और देखते हैं कि क्या वो डेटा रिडंडेंट करेगा या फिर रिप्लेस करेगा, क्योंकि वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लैश होम स्लैश शर्मेत स्लैश टेक शर्मेत स्लैश शर्मित डॉट एस एच और एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखो डेटा, हमने स्क्रिप्ट को रन किया तो डेटा इन टी टी डॉट टी एक्स टी आफ्टर सी पी वही 5 रिकॉर्ड दिखा रहा है। इसका मतलब ये डेटा को रिप्लेस नहीं करता, मतलब डेटा को रिप्लेस करता है, अपेंड नहीं करता। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, डबल यहाँ पे कर देते हैं डबल एक्स डबल ए डबल बी, देखते हैं कोई फाइल है क्या ऐसा, और इधर भी इसके लिए हमें पहले एक डेटा देखना होगा वर्क एल एन के डबल आर डबल वाई डॉट टी एक्स टी, इस फाइल को ले लेते हैं। इसका डेटा अलग है ना, तो इसका डेटा अलग है तो डबल आर डबल वाई डॉट टी एक्स टी, और ये फाइल सेम ही रखेंगे, और इधर आ जाएगा डबल आर डबल वाई डॉट टी एक्स टी। F3 सेव, F3 एग्जिट, सेशन बी पे गए, QSH, और फिर आ जाएगा स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित स्लैश शर्मित डॉट एस एच और एंटर। जैसे एंटर किया तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टी टी डॉट टी एक्स टी फाइल का जो डेटा था वो रिप्लेस हो चुका है नए वाले डेटा से। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी हम इस तरह से सी पी कमांड चलाते हैं तो वो अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसके डेटा को रिप्लेस कर देता है, और एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल को क्रिएट कर देता है। तो यही डिफरेंस है हमारे पास सी पी में, ठीक है। अब सेम चीज़ अगर आप कभी आपको सी एल से रन करनी है तो कैसे करोगे, वर्क एम बी आर पी डी एम एंटर, यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम है रन क्यू एस एच हैश, इसको लिया मैंने ऑप्शन 2। सबसे पहले हम लिखेंगे डी सी एल F4 वेरिएबल का नेम टाइप स्टोरेज लेंथ सी एच जी वेयर F4 वेरिएबल का नेम और स्क्रिप्ट ऑफ फाइल, फिर strqsh और यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल। तो जैसे ये प्रोग्राम रेडी होगा आप इसको सिंपली कंपाइल करोगे और कॉल करके इसका आउटपुट देख सकते हो। तो अब यहाँ पे पूरा आपको वही आउटपुट दिख रहा है जो हमारे को स्क्रिप्ट से मिला था, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है।
आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे सीपी कमांड हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसी से रिलेटेड और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।